दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है ठीक हो। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाया था पहले, बहुत दिन पहले, तो फिर से एक रिपीटेशन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दो तीन लोगों ने मुझे पूछा था व्हाट इज़ हैशटैग। एक्चुअली हैशटैग है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कब कब कैसे यूटिलाइज किया गया, एंड ऑल्सो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हूँ भास्कर, आप देख रहे हो टेक्नोइन। सो लेट्स स्टार्ट। इस्तेमाल हुआ था 12th सेंचुरी में, म्यूजिक में ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प, ये सब जो कोड्स होता है, की नोट्स होता है, इसके लिए इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल लेने के लिए यूज़ किया करता था, जैसे सी सी प्लस प्लस में हैज़ इंक्लूड, जो लेस देन स्टूडियो डॉट एज, कौन आई ओ डॉट एज, ये सब यूज़ करने के लिए हैज़ का इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद जो है ट्विटर में एक पोस्ट आया कि लोगों को बताया गया कि हैज़ टैग का इस्तेमाल करो, वो था 2007 के बाद सेवन, एंड तब उसके बाद ट्विटर ने देखा एंड कुछ रिसर्च किया। उसके बाद जो है जून 1st ऑफ जून 2009 को हैशटैग का लॉन्च किया ट्विटर में। उसके बाद 2012 में गूगल प्लस में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 2013 में फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया। तो हैशटैग इज़ ए टू पावरफुल थिंग, स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर आप कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि दुनिया में या जो जो यूज़र्स है उस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या पोस्ट किया, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो, तो हैशटैग का इस्तेमाल किया कीजिए। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक में मैं देखना चाहता हूँ कि आईपीएल 2018 में क्या क्या पोस्ट आया, क्या क्या पिक्चर्स या वीडियोस आया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक में जाके हैज़ आईपीएल 2018 या जो जो ना, ना, आपका जो टैग्स हो सकता है उसके बारे में अगर आप सर्च करें, देन आपका जो पोस्ट होता है, जितना पोस्ट है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आई पी एल 2018 सर्च करने के बाद जो जो वीडियोस, पोस्ट, इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग आ जाएगा। तो ये हैशटैग मतलब इतना ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, सबको मतलब जुटा के आपके सामने ला देता है। तो मान लीजिए आप लीला पैलेस बेंगलोर के बारे में जानना चाहते हो, तो यू कैन गूगल, नो नो वरी। बट अगर आपको कुछ पोस्ट या फोटोज़ या वीडियोस, कुछ मतलब जो जो शेयर किया गया है उसके बारे में जानना चाहते हो, दैन हैज़ लीला पैलेस बेंगलोर या हैज़ लीला पैलेस जो जो हो सकता है वो आप सर्च किया कीजिए। वैसे ही ट्विटर में सेम थिंग, यू कैन सर्च हैज़ समथिंग, हैज़ सम टैग्स, तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही गूगल प्लस में यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में उसको बोल्ड में लिखने के लिए हैज़ का इस्तेमाल किया करते हैं, एंड ऑल्सो लंबा करके दे देते हैं, लाइक हैज़ आई एम ए सोलो बाइकर ट्रेवलिंग फ्रॉम समथिंग समथिंग। ओके, तो इट्स नॉट दी प्रॉपर वे टू यूज़ हैशटैग। हैशटैग का इस्तेमाल सही तरीके से किया कीजिए, जैसे कि हर एक पोस्ट में, हर एक फोटोज़ या वीडियोज़ में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके नीचे हैशटैग का इस्तेमाल किया कीजिए। जो जो रनिंग या जो 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 रिलेटेड विथ पोस्ट है वो आप शेयर कीजिए। मान लीजिए आप कहीं सोलो राइड कर रहे हो, बैकपैकिंग कर रहे हो, या कोई क्रूज स्पॉट पे गए हो, देन हैज सोलो राइड, हैज बैकपैकर्स, हैज मान लीजिए कश्मीर टूरिज्म, हैज दिल्ली टूरिज्म, समथिंग जो जो है हो सकता है वो इस्तेमाल कीजिए। हैज़ इंडिया टूरिज्म हो सकता है, देन क्या हो सकता है, जो जो लोग हैं या फॉरेनर्स, जो जो लोग उस प्लेस को विजिट करना चाहते हैं या बैकपैकर्स के बारे में, बैकपैकर्स के जो पोस्ट है वो देखना चाहते हैं, देन उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। एंड आपका जो आपने जो शेयर किया था, जो पिक्चर शेयर किया था, वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकता है। तो यही है हैशटैग, प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। हर एक हैशटैग के बीच में स्पेस दीजिए, लंबा हैशटैग मत यूज़ कीजिए, जो जो मेमोरेबल मतलब हैशटैग है इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट इस्तेमाल कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि हैशटैग का इस्तेमाल FRND करके कीजिए, फ्रेंड FRIEND, प्रॉपर हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, देन जो है आपका हैशटैग बहुत ही मतलब काम का होने वाला है। तो हैशटैग यही है एक्चुअली। आज का वीडियो कैसा आया, आई डोंट नो, अगर जो भी हो कमेंट कीजिए, अगर कुछ पूछना है देन ऑल्सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।